हेलो बच्चों, आज हम अध्याय जल मंडल के भाग 3 पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे महासागरीय धाराओं पे और महासागरीय धाराओं के प्रभाव पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं महासागरीय धाराओं से। बच्चों, महासागर की सतह पे निश्चित दिशा में नियमित रूप से जो जल की धाराएं बहती हैं, उन्हें हम महासागरीय धारा कहते हैं। बच्चों, महासागरीय धाराएं जो हैं, वास्तव में सागर में बहती हुई एक नदी के समान है। अगर हम बात करें इनके प्रकार की, तो महासागरीय धाराएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहली उष्ण धारा और दूसरे ठंडी धारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन धाराओं पे एक एक करके चर्चा करते हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ते हुए अपनी चर्चा महासागरीय धाराओं पे जारी रखते हुए अब हम उष्ण धारा पे चर्चा करेंगे। बच्चों, उष्ण धारा जैसे कि नाम से प्रतीत होता है, यह गर्म या उष्ण धारा जो है भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है तथा वहीं से प्रवाहित होती है। बच्चों, अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील धारा, उत्तरी अटलांटिक और प्रवाह, ये सब जो है उष्ण धाराओं के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में जो ये एरो है, जो ये प्लेन ब्लैक एरो आपको दिख रहा है, इससे गर्म धाराओं को डिनोट किया गया है। तो देखिए बच्चों, ये जो गर्म धारा है, यहाँ पर आपका ब्राजील धारा है। अगर हम बात करें गल्फ स्ट्रीम की, तो ये यहाँ पे उपलब्ध है। और अगर हम बात करें उत्तरी अटलांटिक की, तो ये यहाँ पर है। इसी प्रकार बच्चों, आप इस एरो की सहायता से गर्म धाराओं को पहचान सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि गर्म धाराओं का जो तापमान होता है वो सामान्य से कुछ ज्यादा होता है। तो बच्चों, ये थी उष्ण धारा या गर्म धारा के बारे में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा महासागरीय धाराओं पे जारी रखते हैं। अब हम बात करेंगे ठंडी धारा की। बच्चों, ठंडी धारा जो है ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से भूमध्य रेखा की ओर प्रभावित होती है। बच्चों, कैलिफोर्निया धारा, लेब्राडोर धारा, फॉकलैंड धारा, ये सभी जो है ठंडी धाराएं हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे जो डॉटेड एरो है, ये ठंडी धाराओं को डिनोट करता है। तो ठंडी धाराओं की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए आपका लेब्राडोर धारा उपलब्ध है, अर्थात मौजूद है। जहाँ पे आपका कैलिफोर्निया धारा है। और अब हम बात करते हैं फॉकलैंड धारा की, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बच्चों, इसी प्रकार आप डॉटेड लाइन के थ्रू डिनोटेड ठंडी धारा को पहचान सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि जो ठंडी धाराओं का तापमान होता है वो सामान्य से कम होता है। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे महासागरीय धाराओं के प्रभाव पे। बच्चों, अगर हम बात करते हैं कि ये महासागरीय धाराओं का क्या प्रभाव होता है, तो इसका पहला प्रभाव ये है कि महासागरीय धाराएं जो हैं, किसी भी क्षेत्र के तापमान को बहुत आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि गर्म धाराओं से स्थलीय तट का तापमान अधिक तथा ठंडी धाराओं से स्थलीय तट का तापमान जो है कम हो जाता है। अगर हम इसको
थोड़े और अच्छे से समझने का प्रयास करें तो गल्फ स्ट्रीम की उष्मा से पश्चिम यूरोपीय तट पे सागरीय जल का तापमान बढ़ जाता है, जिससे शीत ऋतु में भी वहां पे जल का जमाव नहीं हो पाता है और बंदरगाह जो है खुले रहते हैं, जबकि उन्हीं अक्षांशों पे अन्यत्र सागर में जल जो है वो जम जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इसके दूसरे प्रभाव पे चर्चा करते हैं। इसका दूसरा प्रभाव है कि जिस स्थान पे गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वो स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, महासागरीय धाराएं समुद्री तटों के ताप क्रम को प्रभावित करती हैं। जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं कि गर्म पानी की धारा अपनी उष्मा के कारण ठंडे समुद्र तटों के बर्फ को पिघला देती हैं और इसी के कारण जहाजों का आवागमन को भी सुगम बना देती हैं। और साथ ही साथ पानी के पिघलने के कारण वहां मछली पकड़ने की सुविधा मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अपने तीसरे प्रभाव पे, महासागरीय धाराओं का प्रभाव। ये भी है कि गर्म और ठंडी धाराओं के मिलन से जो है घना कोहरा उत्पन्न होता है, जिससे नौ संचालन में बाधा पहुंचती है। बच्चों, गर्म और ठंडी धाराओं कहां पे मिलती है, वहां पे बहुत ज्यादा कोहरा छा जाता है, जिससे जहाजों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। यहां तक कि बच्चों, ठंडी धाराएं अपने साथ बर्फ के बड़े बड़े खंड भी लाती हैं, जिनसे जहाजों के टकराने का खतरा रहता है। बच्चों, आजकल तो डीजल से चलने वाली अति आधुनिक शक्तिशाली जहाज धाराओं के प्रभाव से मुक्त हो जाती हैं, परंतु प्राचीन काल में जब जहाज पालदार होते थे तो धाराओं का नौ संचालन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इसके अगले प्रभाव पे। बच्चों, गर्म जलधारा अपने साथ वाष्प लेके चलती है, जिसके कारण उसके प्रभाव वाले तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। तो बच्चों, ये थे हमारे महासागरीय धाराओं के प्रभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने चर्चा की महासागरीय धाराओं पे और महासागरीय धाराओं के प्रभाव पर, और इसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक। बच्चों, अगले वीडियो में हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।